Hello, students. Hope you all are doing good. Today, we are doing a chapter named World Personalities. Out of millions of people in the world, there are very few of them who remain in our hearts. They are the ones who have done some selfless services for the society at large. They are remembered not only in their own country but throughout the world. Some of them are. सुक्रेट्स, अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड मदर टेरेसा हमारे संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं लेकिन उनमें से कुछ ही हमें याद रहते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किया हो सिर्फ उन्हें हम याद रखते हैं चाहे वो हमारे देश के हों या किसी दूसरे देश के हों फॉर एग्ज़ाम्पल सुक्रेट्स अब्राहम लिंकन कार्ल मार्क्स महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड Mother Teresa. Now, first is Socrates. Socrates lived in Athens in Greece. nearly 2400 years ago very little is known about his personal life he did not give lectures nor did he write about his teachings we know a little about him from the writing of his pupil Plato Socrates was a philosopher his philosophy was very simple to seek the truth Socrates की personal life के बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली और ना है और न ही उन्होंने कोई teaching दी है न ही उन्होंने कोई उपदेश दिया है उनके बारे में हमें कैसे पता लग

और उनका मेथड क्या था सच बुलवाने का क्वेश्चन करना उनका कहना था कि जो सच होता है वो इंसान के अंदर ही छिपा होता है और उस सच को बाहर निकालने के लिए उनसे क्वेश्चंस करने चाहिए खुद से क्वेश्चंस करने चाहिए ही गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अराउंड हिम ही एनकरेज देम टू थिंक फॉर देम सेल्वस हाउ एवर सम इम्पोर्टेंट मैन इन एथेंस डिड नॉट लाइक क्वेश्चन बींगेट्स वॉज पुट ऑन ट्रायल फॉर मिसलीडिंग द ट्रुथ Or die. Socrates refused as he was not afraid to die. He cheerfully drank a cup of hemlock poison in the presence of his friends. He was about 70 years old when he died. और सुक्रेट्स का ये जो तरीका था सच जानने का ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता था और उन्हें एक बार ट्रायल पर भी लिया गया सुक्रेट्स को सुक्रेट्स बिल्कुल भी नहीं डरते थे मरने से और उन्होंने खुद ही जहर पी लिया था 70 सेवेंटी ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी नेक्स्ट इज अब्राहम लिंकन

हिज मदर हाउ एवर टोट हिम हाउ टू रीड एंड राइट ही डिड वेरियस बिफोर फाइनली टेकिंग लो एज अरियर और एक कानून को अपना करियर चुनने से पहले उन्होंने बहुत सारी जॉब्स की उनकी मदर ने ही उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया था लिंकन वॉज एन ऑनेस्ट मैन ही ऑलवेज हेल्प द पुअर दिस अंड दिक नेम ऑफ ऑनेस्ट ए और वो बहुत ईमानदार थे पुअर की हेल्प करते थे इसीलिए उनको एक निक नेम दिया गया ऑनेस्ट ए ही वॉज इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर ऑफ इलोनिस स्टेट एट अ वेरी यंग एज इन दो डेज स्लेवरी वॉज कॉमन इन अमेरिका निग्रोस फ्राम अफ्रीका वर बोर्ड एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट स्लेवरी उस टाइम मोस्ट कॉमन था निगरोज़ को अफ्रीका से लाया जाता था और ओपन मार्केट में बेच दिया जाता था दे वर कैप्ट स्लेव और उन्हें नौकरों की तरह गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था वाइट पीपल उन्हें बहुत ज्यादा इल ट्रीट करते थे एंड द स्लेज वर नॉट गिवन वेजेस एंड वर फोर्स टू वर्क ऑन फार्म्स द होल डे उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी कोई वेजेस नहीं दिए जाते थे बल्कि उन्हें फोर्स किया जाता था पूरे दिन खेत में काम करने के लिए अमेरिकन पीपल वर डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी पीपल इन द नर्दन स्टेट वर अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी वाइल दोज इन द सर्दन स्टेट नीडिड स्लेव टू वर्क ऑन देयर प्लांटेशन जो अमेरिका के लोग थे वो दो पार्ट में डिवाइड किए हुए थे जो नॉर्थ नर्दर्न स्टेट के जो लोग थे वो स्लेवरी के अगेंस्ट थे लेकिन जो सर्दर्न स्टेट के लोग थे उन्हें स्लेव चाहिए थे प्लानेशन के लिए अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन एटीन सिक्सटी एट द टाइम द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी वॉज थ्रेटनिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री सून अविल वॉर ब्रोक आउट इन अमेरिका इट वॉज़ फोर्ट बिटवीन द नर्दर्न एंड सर्दर्न स्टेट एक सिविल वॉर हो जाती है जिस टाइम अब्राहम लिंकन वहाँ के प्रेजिडेंट बने और ये जो वॉर थी ये जो वॉर थी ये नर्दन एंड सर्दर्न स्टेट के बीच में थी लिंकन वॉज अगेंस्ट स्लेवरी ही वंडर्ड हाउ वन मैन कुड बी मेड द स्लेव ऑफ एनेदर वो स्लेवरी के बिल्कुल खिलाफ थे और वो ये आश्चर्य करते थे कि एक मैन दूसरे आदमी को गुलाम कैसे बना सकता है बिफोर द वॉर एंड इट लिंकन डिक्लेयर दैट द नेशन कुड नॉट बी हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव कि ऐसा देश में इस देश में नहीं रहेगा कि हाफ लोग जो हैं वो स्लेवरी कराएँ और हाफ लोग फ्री रहें ही ऑल्सो वोन द सिविल वॉर एंड कैप द कंट्री यूनाइटेड और सिविल वॉर को भी उन्होंने जीत लिया और पूरी कंट्री को यूनाइट किया स्लेवरी वॉज एबोलिश स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट फॉर अ सेकेंड टर्म और दूसरी बार भी उनको प्रेजिडेंट बना दिया गया मैनी पीपल वर अगेंस्ट हिज जनरल पॉलिसीज वन नाइटीन एटीन सिक्सटी फाइव लिंकन वॉज शॉट इन अ थिएटर ही डाइड ऑन द स्पॉट हिज डेथ वॉज मोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड अब्राहम लिंकन बिकेम ए मॉरेटल और बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे एक थिएटर में उनको शूट कर दिया जाता है लेकिन ये इन्होंने ऐसे काम किए कि वो मरने के बाद भी हमेशा अमर रहेंगे नेक्स्ट इज़ कार्ल मैक्स karl marx was born in germany in 1818 he was a german economist he was a great political thinker and was one of the chief founders of communism due to industrial revolution new factories were established in europe Jab industrial revolution got time though europe made nine factories established ho rahi thi. the owners of the factories become very rich as they earned huge ह्यूज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग देअर गुड और जो इंडस्ट्री के मालिक थे वो बहुत रिच हो रहे थे क्योंकि उन्हें गुड सेल करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था एंड द प्रॉफिट्स इंक्रीज देयर कैपिटल हैंस देवर कोल्ड कैपिटलिस्ट और इनसे उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था उनकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई थी इसलिए उनको कैपिटलिस्ट कहा जाता है द कैपिटलिस्ट डिड नॉट केयर फॉर देयर वर्कर्स वर कंसर्न विद देयर ओन प्रॉफिट ओनली और वो जो वर्कर्स जिनके कारण वो प्रॉफिट कमाते थे उनका कोई भी केयर नहीं करते थे उनकी वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते थे और इस तरीके से जो वर्कर थे वो बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहे थे एंड थिंकर्स बिकम अपसेट ओवर दिस सिचुएशन कार्ल मार्क्स वॉज वन ऑफ देम ही केम अप विद द आइडिया दैट डेस्टिनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू ही द मॉडर्न फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गुड शुड नॉट बी ओन्ड बाई इंडिविजुअल फिर जो थिंकर्स थे उनसे इन जो वर्कर हैं उनकी ये मिजरेबल लाइफ देखी नहीं जा रही थी और उनका सोच थी उनका कहना था उनकी सोच थी कि हजारों पीपल का जो काम है वो सिर्फ कुछ आदमी इंजॉय नहीं कर सकते ये जो प्रॉफिट है ये सब में अमंग सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ही रोट द फेमस बुक कॉम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अलोंग विद हिज फ्रेंड फ्रेंडरिच एंजल्स इन दिस बुक ही गेव द स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट ही वांटेड द वर्कर्स टू फाइट द कैपिटलिस्ट वो चाहते थे कि सारे वर्कर पूरे वर्ल्ड के इकट्ठे होकर इन कैपिटलिस्ट के खिलाफ काम करें उनके खिलाफ बोलें द अदर बुक विच कार्ल मार्क्स रोड वाज़ दास कैपिटला एंड कार्ल मार्क्स डाइड इन इंग्लैंड इन 1883 अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स वॉज फॉर्मड इन द सोवियत यूनियन सिक्स रखते हुए सोवियत यूनियन में एक नई गवर्नमेंट बनाई गई जो कार्लमार्क्स के आइडिया पर काम करती थी नेक्स्ट इज महात्मा गांधी महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था एंड एट दैट टाइम द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पर रूल कर रहे थे उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की उसके बाद साउथ अफ्रीका गए और एक लॉयर बने साउथ अफ्रीका वॉज ऑल्सो रूल्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम उस टाइम साउथ अफ्रीका पर भी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे

दिस मैथड वॉज कोल्ड सत्याग्रह विच मीन्स इंसिस्ट ऑन द ट्रूथ हिज मैथड वॉज सक्सेसफुल एंड ही बिकेम वेरी वेल नोन इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया और उन्होंने एक नया मैथड शुरू किया जिसको सत्याग्रह का नाम दिया गया जो सच पर फोकस करता था और ये जो मैथड था इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया में गांधी जी उसके बाद इंडिया आए 20 साल साउथ अफ्रीका में बिताने के बाद ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द अनजस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया यूजिंग द वेपन ऑफ सत्याग्रह और इंडिया में आने के बाद भी वो सत्याग्रह पर अपने सत्याग्रह के वेपन को यूज़ करने लगे ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए ही लॉन्च हिज नॉन कॉपरेशन मोवमेंट इन इंडिया इन नाइनटीन टवेंटी इट स्प्रेड रेपिडली ऑल ओवर इंडिया एंड गांधी जी हैड मिलियन ऑफ फॉलोवर इन्होंने उन्नीस सौ बीस में नॉन कॉपरेशन मोवमेंट स्टार्ट की कोई भी ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेगा ना ही फॉरेन से बनी हुई चीजें यूज करेगा बहुत जल्दी इंडिया में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हो गया और गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर बन गए पीपल साइलेंटली अपोज द ब्रिटिश एंड डिड नॉट बिकम वॉयेंट इवन वैन बीटन बाय द पुलिस लोग चुपचाप साइलेंटली ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे और पुलिस भी अगर उन्हें बीट करती फिर भी वो वॉयेंट नहीं हो रहे थे गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द ब्रिटिश वर सून फोर्स टू रिलीज दैम गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया लेकिन बहुत जल्दी ही ब्रिटिशर्स को उन्हें छोड़ना पड़ा

अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे और उन्होंने अनटचेबल जो लो कास्ट के पीपल थे उनको हरिजन का नाम दिया पीपल ऑफ गॉड ही ऑल्सो वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया एंड वाज हर्ट ब्रोकन वैन इंडिया वाज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान और वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक साथ इंडिया में रहें और उनका हर्ट ब्रेक हुआ जब इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान गांधी जी को 20 जनवरी 1948 को गोली मार दी गई थी गांधी जी इज रिमेंबर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ ग्रेट सोल ही इज कोल्ड महात्मा गांधी महात्मा मीन्स ग्रेट सोल और गांधी जी को पूरा वर्ल्ड एक ग्रेट आत्मा की ग्रेट आत्मा के रूप में याद करती है और उनको महात्मा गांधी का नाम दिया गया है महात्मा मीन्स ग्रेट सोल नेक्स्ट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर He was born in 1929 in Atlanta, USA. He became a pastor when he was 18 years old. In the United States, slavery was abolished long back, but in many southern states, the blacks were treated badly.

सर्दन स्टेट्स में ब्लैक पीपल को बैडली ट्रीट किया जाता था मार्टिन लूथर एक महात्मा गांधी के फॉलोअर थे और उनके नॉन वायलेंट सत्याग्रह पॉलिसी के साथ थे तो वो वो कहते थे कि सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता है जिससे वो ब्लैक पीपल को आज़ादी दिला सकते हैं अंडर हिज लीडरशिप ब्लैक फेस्ड bullets and even bombs with courage. So great was his devotion to black Americans that when he received the Nobel Prize for Peace in nineteen sixty four, he donated the entire amount to the civil rights movement. And उनकी लीडरशिप में जो ब्लैक पीपल थे वो इतने बहादुर हो चुके थे कि वो किसी भी बुलेट और बम को भी फेस कर सकते थे उन्होंने ब्लैक अमेरिकन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन्हें इस चीज के लिए नोबल प्राइज़ भी मिला नोबल प्राइज़ फॉर पीस इन 1964 और उनको जो भी अमाउंट एज अ प्राइज़ मिला वो उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट में दान कर दी ही वॉज़ एसिनेटेड ड्यूरिंग अ कैम्पियन मीटिंग इन मैम्फीज़ वेन ही वॉज जस्ट थर्टी नाइन all he is remembered with love and affection by the black americans they respect him as much as we respect gandhi ji jo black american hai jaise hum gandhi ji ki respect karte hain wo bhi unke itni respect karte hain next is mother teresa agnes gings bojeque was born in 1910 she became a nun when शी वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एंड वॉज गिवन द नेम टेरेसा बारह साल की उम्र में ही वो नन बन जाती हैं और उनको टेरेसा का नाम दिया जाता है ऐट ही एज ऑफ एट द एज ऑफ एटीन शी वोज सैन टू इंडिया टू टीच ऐट कन्वेंट इन कोलकाता अठारह साल की उम्र में उन्हें कोलकाता के कन्वेंट स्कूल में भेज दिया जाता है पढ़ाने के लिए वन डे शी फेल्ट एज इफ़ गोड वॉज टैलिंग हार टू वर्क फॉर द पुअरेस्ट पीपल ऑफ़ द सिटी शी लेव द कन्वेंट एंड मूवड इन टू द स्लम्स ऑफ कोलकाता शी स्टार्ट टू लुक आफ्टर द पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन एक दिन उन्हें ऐसा लगता है कि गोड उन्हें कह रहे हैं कि पुअर पीपल की हेल्प करो और वो कन्वेंट छोड़ कर जो स्लम्स हैं झोंपड़ियाँ हैं कोलका की उसमें मूव कर जाती हैं वहाँ पर वो गरीब जो लोग थे और नीडी चिल्ड्रन थे उनकी हेल्प करती हैं उनकी देखभाल करती हैं इन 1950, फिफ्टी शी एंड दीपल वर्किंग विद हर सेटअपर न्यू ऑर्डर कोल्ड मिशनरीज एंड चैरिटी उन्नीस सौ पचास में उन, और उनकी टीम ने मिलकर एक नया मिशनरी या फिर चैरिटी एक नई चीज बनाई दे टुक वो टू सर्व द पुअर और वहाँ वो कसम खाते हैं कि हम जो पुअर हैं उनकी देखभाल करेंगे शी believed that सर्विंग द पुअर meant सर्विंग क्रिस्ट हिमसेल्फ और उनका मानना था कि अगर हम किसी पुअर की गरीब की हेल्प कर रहे हैं इसका मतलब हम भगवान की हेल्प कर रहे हैं गॉड क्राइस्ट की हेल्प कर रहे हैं ओवर द ईयर्स द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ओपन स्कूल ऑर्फनेज़, होम्स फॉर हेल्पर्स एंड होम्स फ़ॉर द डाइंग पुअर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ और बहुत सालों तक उन्होंने नई नई मिशनरीज बनाई चैरिटी के लिए स्कूल खोले उससे ऑर्फनेज अनाथाश्रम खोले हेल्पर्स के लिए घर बनाए और बहुत सारे पुअर पीपल की हेल्प की फ़ॉर द सेल्फलेस सर्विस फ़ॉर द पुअर मदर टेनिस रिसिव्ड मैनी अवार्ड्स और बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की सहायता करने के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं जिनमें से भारत रत्न इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें दिया द मगस्से अवार्ड वॉज द नोबल पीस प्राइज शी डाइड इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी से बट शी विल लिव फॉर एवर इन द मेमरी ऑफ पीपल स्पेशली द पुअर उनकी डेथ के बाद भी लोगों के दिल में अभी भी वो जिंदा हैं स्पेशली जो पुअर पीपल हैं उनके दिलों में अभी भी वो जिंदा हैं आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे